हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योर वॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फिर एक नई इंडस्ट्री, एक नई कंपनी क्या बनाती है, आपको इनके साथ जुड़ के क्या मिलने वाला है। तो अब हम आपको पहुंचा चुके हैं पवन मशीन्स एंड टूल कॉर्पोरेशन। ये क्या है, अब क्या दिखाने जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन है। अच्छा जी, तो इसमें फ्लाई एश ब्रिक्स बनता है? हाँ, फ्लाई एश ब्रिक्स। एक बार में कितना स्टॉक करता है ये, कितना मतलब ब्रिक्स बनाता है? हर एक क्वालिटी का अलग अलग मशीन होती है। अच्छा, ठीक है ना। ये आपको दो ब्रिक्स से लेकर 16 ब्रिक तक का, 20 ब्रिक तक का ईंटा का मशीन बनाते हैं हम लोग। अच्छा। बनाने की कैपेसिटी का मशीन है। ठीक ठीक। जो प्रोडक्शन वे में आपको पर डे के अनुसार से 1,000 से लेकर 30,000 पर डे आपको ब्रिक बनाएगी। पर डे 30,000 तक बना सकते बना हैं। सकती। और जो सबसे छोटा मशीन है जी, वो कितने से स्टार्ट होता है, कितने से स्टार्ट कर सकते हैं उसको? सबसे छोटा मशीन है जो अभी आपको 70,000 से चालू हो जाती है। 70,000 से? हाँ, यानी कि 70,000 से भी फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन स्टार्ट हो जाती है, इसको लेके आदमी लेकर हाँ ब्रिक्स बना सकते हैं। डेली एक गाड़ी आप उसमें, एक ट्रैक्टर जो 1500 होता है। अच्छा, आप डेली बना सकते हैं। तो एक बार में कितना ईंट निकलता है उसके अंदर? उसमें 4 ब्रिक निकलती है। एक बार में 4 ब्रिक बनाने वाला सिर्फ 70,000 से अपना आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यही है सर? जी जी हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद बड़ा और क्या है, कौन सा बेनिफिट ज्यादा देगा, कि कौन सा प्रोडक्शन के हिसाब से कौन सा ठीक होता है? सब मशीन अपने अपने जगह पर सब ठीक है। कितने आदमी जितना जो जैसा लगाएंगे। अच्छा। उस अनुसार से पेमेंट अपना कमाते हैं। अगर बड़ी मशीन की बात करूं तो सबसे कौन सा होता है, जैसे आप बता रहे हैं कि 30,000 तक बन सकता है, तो सबसे बेस्ट मशीन जो एक आम आदमी लेके लगा के इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर सके, तो कौन सा मशीन है वो? सबसे बेस्ट में अभी तो जिस अनुसार से रेशियो चला जा रहा है, तो कम से कम मिनिमम 15,000 से 16,000 ईंट निकलना चाहिए। 15,000 से 16,000 जिससे आपको कमर्शियल व्यू में आपको 2 रुपया बचे आराम से। एक ईंट पे 2 रुपया? 2 रुपया आराम से। पर डे कितना ईंट निकल सकता है? पर डे आपको 15-16 हजार ईंटा आप निकाल कर काम कर सकते हैं। तो यानी कि अगर 2 रुपए अगर वो बचता है, तो 15-16 हजार ईंटा यानी कि 32,000 रुपए अगर आपका बिजनेस ठीक ठाक चलता है, आपके कंज्यूमर बेस बहुत अच्छा है, तो इतना पैसा आप पर डे कमा सकते हैं। तो उसकी लागत कितनी है, कितने से स्टार्ट होगा वो? वो मशीन आपको लमसम आपका 20 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। तो 20 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। तो इस पे कोई लोन वगैरह मिलता है क्या? लोन बैंक करती है। बैंक से लोन मिल जाएगा? बैंक से लोन मिलती है। अच्छा, गवर्नमेंट का कोई इसमें कुछ है, कोई मतलब? गवर्नमेंट इसमें अपना बहुत सारा सब दे रही है, प्रोत्साहन राशि भी देती है। अच्छा, सहयोग राशि करती है गवर्नमेंट। अच्छा। उसके पोर्टल पर जाकर सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा। सब कोई को मिलता है, एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। अच्छा। और ग्रीन प्रोजेक्ट होने के कारण इसको सब कोई, सरकार भी इसको प्रोत्साहन दे रही है कि इसको लगाया जाए। कुछ सब्सिडी भी मिलता है? इस सब्सिडी भी इसमें मिलता है। एक बार बताइए कि लाल ईंटा जो होता है, क्ले ब्रिक्स जो है, उसकी तुलना में इसको क्यों लगाएं, और वो पहले से इंडस्ट्री जमाया इंडस्ट्री है, उसका कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, कस्टमर उसके बहुत ज़्यादा है, इसको लगाने से क्या मार्केट में इसका बिक्री हो सकता है? क्ले ब्रिक और फ्लाई एश ब्रिक्स में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा। अभी जो भट्टे वाले, जो जितने भी ईंट भट्टे मालिक हैं, अभी उनको बहुत सारा सरकार के तरफ से, पर्यावरण के तरफ से बहुत सारे उनको कष्ट हो रहे हैं। लेबर नहीं मिल पा रहा है बिहार में, और मिट्टी खनन पर रोक है, कोयला इतना महंगा हो गया है, किस कारण से ईंट का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा चीज़ कि सरकार जो है इसको बंद करने पर टूली हुई है, क्योंकि पर्यावरण यहाँ बहुत सारा इफेक्ट हो रहा है। तो अभी भट्टे वाले भाई से लोग के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके पास से विकल्प अभी नहीं है कुछ, मतलब वो ईंटा बंद करने का, तो उससे अच्छा एक अपना उन्नति का अवसर है उनको कन्वर्ट करने में ही, जब से ज़्यादा अच्छा उनको लिए है कि जो सरकार जो 100% फ्लाई एश ब्रिक्स के लिए कर दी है कि यही लगाना मॉनेटरी है, तो उस पर हम ये कहेंगे ईंट भट्टे भाई साहब को कि जितने भी हैं आपके पास, बेचने के लिए कहीं मार्केट खाली नहीं है, आप पूरे वर्क में आप बेच सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बस आपको ये है कि एक मशीन आप ये लगाएं, बहुत छोटी सी जगह में, बहुत छोटा सा लेबर में आप इसको काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि अगर आप भट्टा मालिक हैं, अगर आपका कोई भट्टा चल रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस मौजूद है, आपका कस्टमर बेस भी बहुत बड़ा है, तो आप इस इंडस्ट्रीज में जुड़ के ये बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी कम पूंजी से होता है, आम आदमी भी स्टार्ट कर सकता है। अगर आप भट्टा मालिक हैं, पहले से आप ईंटा का बनाने का आपका बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर भी लगा के इस बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि 100% जो है गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट में फ्लाई एश का ही काम होगा, फ्लाई एश ही जाएगा,
तो उसके हिसाब से आपको ये इंडस्ट्री लगाते हैं तो आप गवर्नमेंट के सेक्टर में भी, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आप इस चीज का यूज कर पाएंगे, भागीदारी ले सकते हैं। तो उसके अंदर आप टेंडरिंग कर सकते हैं, टेंडर डाल सकते हैं, 12 मास चलने का और पूरे साल ये बिजनेस चलता है, ये कभी बिजनेस बंद नहीं होता है। हाँ, इस तरह से कई बेनिफिट है इस बिजनेस को स्टार्ट करने से, पूरे साल चलेगा, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, गवर्नमेंट में 100% ये जाता है। लाल ईंटा जो होता है, क्ले ब्रिक्स जो है, उसकी तुलना में इसको क्यों लगाएं? और वो पहले से इंडस्ट्री जमाया इंडस्ट्री है, उसका कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, कस्टमर उसके बहुत ज़्यादा हैं, इसको लगाने से क्या मार्केट में इसका बिक्री हो सकता है? क्ले ब्रिक और फ्लाइएस ब्रिक्स में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, लमसम आपको एक तो कभी भी जो भी ये ब्रिक लेते हैं, हाँ, उनको 30-40% तक का बचत होता है इस ब्रिक से। अच्छा, सेंस ये कहना है कि जो भी अगर ब्रिक ये लगाते हैं, उसमें ब्रिक लगाने में जो बहुत सारा ब्रिक जो लगता है, उस क्ले ब्रिक में बहुत बैंडेशन होता है। अच्छा, इस कारण से बहुत सारा सीमेंट उसमें मोटा डालना पड़ता है। अच्छा, जुड़ाई के समय। अच्छा, दूसरा चीज, ये प्रेस से बना हुआ मशीन है, ब्रिक है, वो ब्रिक एकदम सीधा और पूरा एकदम कॉम्पैक्ट होता बनता है। अच्छा, जिससे कभी आपको बरसात के दिन में कभी उसमें डैम्प नहीं मारेगा। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि प्लास्टर जो करते हैं, दीवाल जो जुड़ाई लगा देते हैं, हाँ, और उसके बाद दीवाल को बैंडेशन होता है क्ले ब्रिक में। अच्छा, लेकिन इसमें आपको बैंड नहीं मिलता है और अच्छा, गैप नहीं मिलता है, इस कारण से ये बहुत सीधा दीवाल खड़ा होता है। अच्छा, उसमें आप प्लास्टर का आपको जरूरत नहीं लगेगी। अच्छा, प्लास्टर एक नॉर्मल आप बाहर से कर सकते हैं, अंदर से बाल पुट्टी करके डायरेक्ट पेंट मार सकते हैं। मतलब इसमें प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है? नहीं, इसमें प्लास्टर करने की जरूरत नहीं, अगर कराते भी तो बहुत नॉर्मल 3/8 या 1/4 का आप प्लास्टर करा सकते, मतलब स्मूथ होता है, इस वजह से प्लास्टर की जरूरत नहीं है, बिना प्लास्टर के भी इसका काम कर सकता है। अच्छा, क्या डिमांड इसका है गवर्नमेंट सेक्टर में, क्या डिमांड है इसके बारे में? गवर्नमेंट तो 100% डिमांड दी है। मतलब 100% आपको जितने भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, नगर निगम, जो भी चीज है, उसमें 100% इन्हीं के फ्लाइएस ब्रिक्स को ही लगाना है। अच्छा, गवर्नमेंट का ये है कि 100% फ्लाइएस ब्रिक्स ही गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भविष्य इसका काफी उज्ज्वल है, फ्यूचर में ये बिजनेस और ग्रो करेगा, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि 100% गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर फ्लाइएस ब्रिक्स ही जाएगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये बिजनेस डे बाय डे और ग्रो करेगा, और गवर्नमेंट जो सोच रही है उसके हिसाब से जो क्ले ब्रिक्स है उसमें तो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा कॉस्ट है, आपको भी कम बेनिफिट मिलता है। दूसरा इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जिसके ऊपर प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, छोटे पैसे में, कम इन्वेस्टमेंट में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आगे इसमें और क्या बेनिफिट है कि आपको लोन भी है, सब्सिडी भी है, कई कुछ है इस बिजनेस के अंदर, कई तरह की अलग अलग अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में। इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छा अर्निंग है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, पूरा बिहार में एक लौते आदमी है जो फ्लाइएस ब्रिक्स मशीन बनाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि पूरे बिहार का सिंगल आदमी है जो कि फ्लाइएस ब्रिक्स मशीन बनाते हैं। तो एक बात बताइए कि आप अकेले आदमी हैं फ्लाइएस इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, कई कई जगहों पे लोग मशीन मिल रहा है, तो आपसे लोग क्यों लें? आप अकेले हैं इस वजह से आपसे लें, या क्या ऐसा कारण है कि लोग आपसे परचेज करें फ्लाइएस ब्रिक्स मशीन? क्योंकि इसके अलावा मैं देख रहा हूँ पूरे इंडिया के अंदर 300-400 लोग मशीन बनाते हैं, तो आपसे क्यों लें? ऐसा है, हम तो ये नहीं कहेंगे कि कहीं से मशीन ले, लेकिन ये कहेंगे कि जो नियरेस्ट जो हो वहाँ से मशीन परचेज करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उनको सर्विस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, ये मशीन ऐसा है कि अगर बाहर से हम लोग परचेज करते हैं तो वहाँ परचेज कर तो कर लिए, मशीन भी ले आए, हाँ, लेकिन वहाँ से सर्विस मिलने में आपको 7-10 दिन लग जाती है। कि ये मशीन में कोई फॉल्ट आ जाए, कोई ब्रेकडाउन आ जाए, मशीन नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में कितने दिन में आप दे देंगे सर्विस? 1-2 दिन में हम लोग सर्विस दे देते हैं। 1-2 दिन में दोस्तों यहाँ से सर्विस मिल जाएगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर आप लोकल एरिया से अगर इस मशीन को परचेज करते हैं तो सर्विस के हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बाहर के वनस्पत। अगर वहाँ से आप मशीन लेके आते हैं, सर्विस आपको वहीं से मिलेगा मैक्सिमम, तो उस तरह से आपको शायद प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर लोकल से परचेज करते हैं और बिहार में है, तो 100% मुझे लगता है कि एक बार इस इंडस्ट्रीज में विजिट कीजिए, क्या बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, पूरी जानकारी, पूरा डिटेल यहाँ आके ले सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने आज आपको जो बताया है पेवर ब्लॉक बनाने का मशीन, साथ में मिक्सिंग मशीन, उसके बाद हमने बताया फ्लाइएस ब्रिक्स मशीन, ये सारी इंडस्ट्रीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया है। और आप सबको बहुत खुश होना चाहिए कि जो ये इंडस्ट्री है, ये बिहार के पटना से टोटली 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप
बिहार की राजधानी से अगर कोई सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है, अच्छी इंडस्ट्रीज है। मैंने जो ओवरऑल देखा है यहाँ से, अगर आप भी यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। टोटल सप्लाई जो इनका है बिहार और झारखंड में, तो प्लस पॉइंट यहाँ से क्या होने वाला है कि आपको किसी तरह से कोई समस्या आए, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आए, तो फिजिकली आके आप यहाँ से इनको इंजीनियर को ले जा सकते हैं। अगर फिजिकली नहीं आ सकते हैं तो बहुत नज़दीक में 150-200 किलोमीटर पे सारा इंडस्ट्रीज आपका रहेगा, तो वो सुविधा वो सपोर्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपके लिए नया बिजनेस, नया अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन होगा। आप इसके साथ जुड़ के, इस कंपनी के साथ जुड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। पवन मशीन एंड टूल्स कॉरपोरेशन, डॉक्टर सुजीत सर ने कोरोना के दौरान कई लोगों को रोजगार देने का काम किया है। आपसे आग्रह करना चाहूंगा कृपया जल्दी मंच पर आ जाएं। आप और आपके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों ने बहुत ही एक छोटी सी शुरुआत की थी और सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते गए और आज मुकाम पे आपने हासिल कर लिया है, जहाँ आप लोगों ने कोरोना के दौरान न केवल बल्कि कई लोगों को रोजगार देने का काम किया है। बिहार आपके लिए, आपका आपके इस कार्य के लिए सदा आभारी रहेगा।